डकैती और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले दो बदमाशों को कागरोल पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने उनके पास से हथियार एवं चोरी का सामान भी बरामद किया है। दोनों बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। बदमाशों का मुरैना से एक गैंग चल रहा था। विगत लंबे समय से चोरी और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देते चले आ रहे दो शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष के आदेश अनुसार चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जिसके बाद एसपी ग्रामीण पश्चिम सत्यजीत गुप्ता ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के जिला मुरैना निवासी लखनदास पुत्र जबर सिंह और धर्मेंद्र उर्फ गट्टा पुत्र जबर सिंह दोनों शातिर किस्म के बदमाश हैं। ये लूट और डकैती जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनका गैंग मुरैना से संचालित है। लखनदास पर थाना कागरोल में 5 एवं थाना मलपुरा में एक मुकदमा दर्ज है। वहीं गट्टा पर 2 कागरोल में, 1 मलपुरा तथा 1 मुकदमा ढोलपुर के थाना सरमथुरा में पंजीकृत है। एसपी ग्रामीण सत्यजीत के अनुसार कागरोल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों शातिर बदमाशों की क्षेत्र में रैंकी की, जिसके बाद से उनके पास हथियार एवं अन्य उपकरण भी है। बदमाश क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घेराबंदी करके दोनों को पकड़ लिया और थाने ले गई। पूछताछ में चोरों ने क्षेत्र में हुई 5 चोरी की घटनाओं को कबूला, जिसके बाद दोनों शातिरों को जेल भेज दिया गया है। एसपी ग्रामीण सत्यजीत गुप्ता के अनुसार पुलिस ने उनके पास से एक अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, सफेद धातु के सिक्के, पीली धातु के आभूषण बरामद किए हैं। दोनों को जेल भेज दिया गया है। बदमाशों को थाना अध्यक्ष कागरोल अजय तोमर ने अपनी टीम के साथ पकड़ा है। थाना क्षेत्र कागरोल में कागरोल टीम ने आज 2 शातिर चोरों को पकड़ा है। जो चोर पकड़े गए हैं ये दोनों जनपद मुरैना के रहने वाले हैं। इनके ऊपर आधे दर्जन मुकदमे हैं। इनका पूरा 5 लोग का गैंग है। 3 लोग को ऑलरेडी पुलिस ने जेल में भेज दिया है और जो 2 बचे हुए शेष थे आज हम उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके जो नाम हैं वो हैं लखनदास पुत्र जबर सिंह और दूसरा धर्मेंद्र उर्फ गट्टा। ये दोनों ही जनपद मुरैना के रहने वाले हैं और जो बरामदगी है वो एक तमंचा है, 4 कारतूस, 2 जोड़ी पायल, 1 जोड़ी झुमकी, 1 खड़ुआ और 10 सिक्के सफ़ेद धातु के बरामद हुए हैं। इनसे और गहनता से पूछताछ की जा रही है। अभी तक की जानकारी में ये है कि ये कागरोल क्षेत्र और मलपुरा और धौलपुर जो कि हमारा पड़ोसी जनपद है यहाँ पे इन लोगों ने घटनाएं की हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।